उज्जैन की होटल अंजुश्री में महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी की भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित होटल अंजुश्री में महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी के मुखरविंद से भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। व्यवसायी शैलेंद्र कलवाड़िया के नेतृत्व में शहर के धर्म प्रेमी श्रद्धालु द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कथा में कंस वध और कई धार्मिक प्रसंगों को लेकर कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी जा रही है, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, साथ ही कंस के देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और कृष्ण बलराम पहुंचे हैं भैया जेल में, जहां उनके माता पिता जेल में पहुंच के भगवान ने अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श किया, उनकी वंदना की और पास पोस्ट के। सावन माह के चलते धार्मिक नगरी उज्जैन में लगातार समारोह के आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था द्वारा इंदौर रोड स्थित होटल अंजुश्री में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में प्रेमानंद महाराज द्वारा धार्मिक प्रसंगों के जरिए श्रद्धालुओं को गीता का सार बताया जा रहा है, साथ ही कलाकारों द्वारा भी आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। होटल में कंस वध का वृतांत भी कलाकारों ने अनोखे अंदाज में किया, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ मध्य प्रदेश के बड़े उद्योगपति लोकेंद्र सिंह राजपूत और उनकी धर्मपत्नी रश्मि राजपूत अतिथि के रूप में शामिल हुए और महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लिया और भागवत जी की आरती में शामिल हुए। व्यवसायी लोकेंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन में धार्मिक आयोजन शहर में आयोजित होते हैं। अंजुश्री होटल में आयोजित कथा में सपरिवार भाग लिया है, साथ ही भगवान से कोरोना संक्रमण से मुक्ति और प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति को लेकर कामना भी की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान महाकाल की पावन धरा पर होटल अंजुश्री में एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुझे अपनी पत्नी रश्मि राजपूत जी के साथ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु के दर्शन और कथावाचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सब लोग कथावाचक परम पूज्य गुरु जी को एवं आयोजकों को साधुवाद धन्यवाद देते हैं और आरती के माध्यम से कथा के माध्यम से प्रभु के चरणों में नमन करके ये आह्वान किया है कि उज्जैन शहर में सारे प्रदेश में सुख समृद्धि आवे, खुशहाली आवे और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ये जो कोरोना नामक महामारी है, ये विपदा है, इसका विनाश हो, सभी लोग हमारे सभी जन स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।